हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तन्वी इंस्ट्रूमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड जयपुर से सज्जन गोस्वामी। हम लोग ही मिल्क एनालाइज़र में पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। हमारे पास में अलग अलग तरीके के अनेक एनालाइज़र मशीनें उपलब्ध है। इसके साथ में अभी हमने एक नया सॉफ्टवेयर मिल्क कलेक्शन का लॉन्च किया है, जिसको अपन देखेंगे एक बार। ये गाँव में भी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट साबित हो रहा है। इसकी जो कार्यप्रणाली है बिल्कुल ईजी है, इसको अपन आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ईजीए में अपन इससे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो मैं आज इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताऊंगा, ये कैसे वर्क करता है और इसके क्या क्या यूज़ हैं और अपने लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इसके लिए अपन सर्वप्रथम अपने पीसी के अंदर जो इसका इंस्टॉलेशन होगा, सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन होने के बाद में अपन इसको जैसे ओपन करेंगे, इसको यस करना है। यस करने के बाद में इसमें अपन को पासवर्ड डालना होता है। तो वो पासवर्ड वगैरह कैसे डालते हैं या इसके पासवर्ड कैसे बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको सिखा दी जाएगी। तो इसके सर्वप्रथम जो पासवर्ड है वो अपने डिफ़ॉल्ट ये है, इसको अपन आगे पे क्लिक करेंगे। जैसे आगे पे क्लिक करेंगे अपना सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। रन होने के बाद में अब अपन देखेंगे सर्वप्रथम ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें अपन को सर्वप्रथम मिल्क प्रोड्यूसर की ज़रूरत होती है कि उसके अपन नाम ऐड करें मिल्क। तो नाम ऐड करने के लिए अपन सबसे पहले इसमें सदस्य पत्रक पे जाएंगे, क्योंकि जब तक अपन नाम ऐड नहीं करेंगे तब तक अपन मिल्क कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो मिल्क सदस्य पत्रक पे जाएंगे, सदस्य पत्रक पे अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इसमें अपने सामने ये जो डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, इसका पहला ऑप्शन होता है नया। अगर अपन को नया बनाना है इसमें तो डिफ़ॉल्ट नया बनाने के लिए अपन F1 पे क्लिक करेंगे और ये डिफ़ॉल्ट कोड ऑटोमेटिक ही आगे से आगे आता जाएगा, जिसमें अपन स्थानीय नाम हिंदी भाषा में जो भी नाम रहेगा अपना, जैसे अपन XYZ मान लो राम के नाम से अपन को कोई ऐड करना है, राम पे क्लिक लिखेंगे अपन। उसके बाद में अपन इंग्लिश में लिखेंगे उसको और ये स्त्री पुरुष है इसको सिलेक्ट करेंगे और संग्रह कर देंगे। बाकी वो डिटेल भी डाल सकते हैं इसमें, जैसे आधार नंबर हुए, उसका बैंक का नाम हुआ, बैंक अकाउंट नंबर हुए, IFSC कोड हुए, ये सब डाल के इस पर संग्रह पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, प्रोड्यूसर अपडेट हो जाएगा। इसको जैसे ओके करेंगे उसके बाद में अपन चलेंगे बाहर निकलेंगे, इससे बाहर निकलने के बाद में यहाँ से भी बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद में अपन को अपनी जो मिल्क रेट जो चल रही होती है वो डालनी होती है। तो मिल्क रेट के लिए अपन सेटिंग पर क्लिक करेंगे। अब अपन रेट चार्ट की बात करते हैं, रेट चार्ट कैसे डाला जाता है, रेट कैसे इसमें डाली जाती है। तो अपन सर्वप्रथम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करते ही डायलॉग बॉक्स अपने सामने खुल के आएगा, इसमें अपन रेट चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। रेट चार्ट को सिलेक्ट जैसे ही करेंगे, आप चाहो तो ओल्ड जो रेट चार्ट होता है उसमें एडिट भी कर सकते हैं, और नया बनाना है तो इसको डिलीट करके अपन, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, पहले से बना हुआ था। अब नया बनाना है तो एड न्यू पे क्लिक करेंगे और अपने सामने ये जो डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा इसमें से डेट, कब से अपन को ये रेट चार्ट लागू करना है वो तारीख डाल देंगे। जैसे मैं डिफ़ॉल्ट 01 ले लेता हूँ इसमें, और यहाँ अपन मिल्क टाइप में बफेलो करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद में इसमें दो ऑप्शन आएंगे, काऊ और बफेलो, तो अपन इसमें बफेलो सेलेक्ट करेंगे। और सेशन में अपन सुबह शाम की, अगर मॉर्निंग इवनिंग की रेट चार्ट अलग है तो इनकी अलग अलग डाल लेंगे, अगर एक ही है सेम है तो अपन बोथ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अभी जो राजस्थान सरकार जो मुख्यमंत्री के द्वारा अपन को पर लीटर जो PD मिल रही है 5 रुपये, वो उसको भी अपन इसमें ऐड करके इसका अलग से मतलब इसको शो करवा सकते हैं अपनी पर्ची के अंदर। तो ये जो डिटेल है वो डलेगी पर लीटर PD में, अपन यहाँ क्लिक करेंगे और इसकी जगह अपन कर देंगे 5.00। और यहाँ से फ्रॉम फेट, आप कम से कम कितनी फेट देना चाह रहे हो, कितनी फेट आपके मान्य है, उस हिसाब से अपन जैसे मान के चलो कि मैं 3 फेट से दे रहा हूँ, 3 फेट ली, और हाईएस्ट अपन को कितनी फेट तक देना है, जैसे मेरे को 15 फेट तक देना है। इसके बाद में SNF का आता है, तो SNF अपन 8.50 से शुरू कर दिया और इसको 8.90 तक कर दिया मैंने। इसके बाद में अपनी जो रेट होती है, जो अपन को रेट मिल रही है केजी फेट रेट, वो जैसे अभी 670 है, 6.70 रुपये हैं, तो इस ये डलेगी इसमें 670.00 डल जाएगी केजी। SNF रेट कोई नहीं होती है। इसके बाद में अपन को कमीशन मिल रहा है 2 रुपये, तो वो कमीशन यहाँ पे डलेगा, ये अपन ने 2 रुपये कमीशन डाल दिए। इसके बाद में अपन शो चार्ट, जो अपन ने रेट डाली है उसका चार्ट बनाने के लिए अपन शो चार्ट पे क्लिक करेंगे। ये शो चार्ट पे क्लिक किया, ये शो चार्ट आपके सामने आ गया। इसके बाद में इस चार्ट को अपन लागू करने के लिए, इसको सेव करने के लिए सेव चार्ट पे नीचे देखेंगे और ये जो सेव चार्ट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे।
और ये ओके, आपका चार्ट ओके है। इसके बाद में अपन इससे बाहर निकलेंगे और से उस सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। इसको रेट चार्ट की अपन बात कर रहे थे, रेट चार्ट में अपने पास में और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस है इसके अंदर, अपन और भी अच्छी सुविधाओं के साथ में और भी अच्छे तरीके के साथ में अपन रेट चार्ट सेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार वापस बताता हूँ आपको, सेटिंग्स पे गए अपन, रेट चार्ट पे गए और इस पे एडिट सेलेक्टेड पे गए, और ये जो आपको दिख रहा है इधर ग्रीन कलर में तीन बटन फ्रॉम CSV और टू CSV, अपन अपना जो रेट चार्ट है उसको अपन बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपन इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में आपने रेट चार्ट मंगवा लिया हो, उसको अपनी जो PC होता है उसकी डेस्कटॉप पे सेव कर दो और उसको अपन फ्रॉम CSV से उसको उठा सकते हैं डायरेक्ट, ये भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मंगाया हुआ अपना जो भी रेट चार्ट होता है उसको अपन इसमें ले सकते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा जो है अपन इसमें डिटेक्शन वगैरह का भी कर सकते हैं। डिटेक्शन के लिए अपन इस पर क्लिक करके इंसर्ट बटन को दबाएंगे अपने पास में, जैसे ये और अलग से दो तरीके के रेट अपन इसमें डाल सकते हैं, जितने भी तरीके से आप अपन रेट डालना चाहे वो डल जाएगी इसमें, ऐसा कोई वो नहीं है। जैसे इसमें अपन फिर डालते हैं, मैं यहाँ ले लेता हूँ 15। इसके बाद में जैसे मैं अभी यहाँ से 8.7 कर देता हूँ और यहाँ 8.90 कर देता हूँ, ये आ गई अपनी 600 रेट हो गई। और ये जो अपना कमीशन है ये अपना 2 रुपये कमीशन हो गया। और इसमें अपन जैसे कटौती वगैरह करना चाहें पर पॉइंट 10 पैसे, तो अपन इसमें कटौती भी कर सकते हैं। और इस ये सब अपन सेट करने के बाद कर रहे थे, तो अपने पास में अपने सॉफ्टवेयर में ये सुविधा भी है, अपन डायरेक्ट मोबाइल में व्हाट्सएप के थ्रू रेट चार्ट मंगवा सकते हैं और उसको अपने PC की डेस्कटॉप पे सेव करने के पश्चात फ्रॉम CSV से वहाँ से उठा सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अपना रेट चार्ट जहाँ कहीं पे भी पड़ा होगा डेस्कटॉप पे, वहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे अपन और ओपन कर देंगे, तो वो अपना रेट चार्ट इसमें ऑटोमेटिक ही सेव हो जाएगा। और इसके बाद में है अपन इसी रेट चार्ट जो अपन ने बनाया है उस अपन इम्पोर्टेड रेट चार्ट को भी इसमें लागू कर सकते हैं। जैसे मोबाइल पे अपन ने व्हाट्सएप में अगर कुछ मंगवाया हो रेट चार्ट, तो उसको अपन अपने PC की डेस्कटॉप पे सेव करके फ्रॉम CSV से उसको उठा सकते हैं। और जैसे आप उस वो जो भी फाइल होगी अपनी रेट चार्ट होगा उस पे जैसे अपन क्लिक करके इसको ओपन पे क्लिक करेंगे, वो अपने जो कंप्यूटर है इसकी मेमोरी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। और इसके साथ साथ में जो है अपन इसी जो अपना रेट चार्ट है इसको अपन बना भी सकते हैं, इसका अपन प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, T2CSV पे क्लिक करके इसका अपन बाहर डेस्कटॉप पे इसका एक प्रिंट भी ले सकते हैं, अपन सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं जिसको अपन हार्ड कॉपी के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं प्रिंटर के द्वारा। ऐसा करने के पश्चात अपन इसको सेव चार्ट कर देंगे, ये अपना रेट चार्ट लागू हो जाएगा। ये जैसे सेव चार्ट पे क्लिक करेंगे इसमें ओके लिखा आएगा, इसको ओके करना है अपन को, उसके पश्चात यहाँ से एग्जिट होना है, ये अपना रेट चार्ट कंप्लीट है। इसके बाद में अपनी इसकी जो सेटिंग्स है इसको सेव करना है, ये जैसे ही सक्सेसफुली दिखा दे इसको ओके करना है। ओके करने के बाद में अपन वापस अपने जो भी पासवर्ड होंगे जो अपने जो अपने द्वारा निर्धारित किए जाएंगे वो डालेंगे और उसको आगे क्लिक करेंगे और अपनाएंगे। उसके बाद में कलेक्शन, उसके बाद में अपन कलेक्शन पे क्लिक करेंगे। कलेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये अपना अपने जो सॉफ्टवेयर है अपन को डेट दिखाएगा कि जो कंप्यूटर की डिफ़ॉल्ट डेट होती है वो जैसे आज 11 तारीख है तो 11 तारीख दिखाएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो या गलती हो या मिसमैच हो तो अपन यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, पारी की चेंज कर सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग यहाँ से कर सकते हैं। और अपनी स्लिप के अंदर 10 दिन का पर्ची के लास्ट में जो प्रिंट है उस पर अपन को 10 दिन उसका टोटल भी लेना चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं अपन, और किस तारीख से किस तारीख का अपन को इस पर प्रिंट लेना है वो तारीख डाल देंगे और जैसे ओके करेंगे ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के पश्चात अपन यहाँ पे ये अपने सामने जो खुल के आएगा ये कलेक्शन का डायलॉग बॉक्स है। इस कलेक्शन के डायलॉग बॉक्स के अंदर प्रोड्यूसर नंबर जैसे ही अपन क्लिक करेंगे, जैसे अपन ने 2 नंबर प्रेस किए तो सर्वप्रथम प्रोड्यूसर नंबर डालने होते हैं। जैसे मान लो ग्राहक जो भी होता है उसको कोड दिए गए होते हैं, वो कोड अपन को उसका कलेक्शन करने के लिए, उसका मिल्क कलेक्शन करने के लिए वो कोड नंबर डालने होते हैं। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति आता है उसके कोड नंबर 2 है तो उसको 2 पे 2 डालेंगे यहाँ पर और एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद जैसे उसका दूध है ये ऑटोमेटिकली भी ले लेगा, अपन चाहे तो इसको डायरेक्ट कांटे से कनेक्ट करवा सकते हैं, ऑटोमेटिक भी ले लेगा, और आप चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो। मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ मैनुअली दिखा रहा हूँ। मैनुअली में जैसे उसने 5 kg दूध लेके आया तो 5 लीटर तो 5 डालेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के पश्चात जैसे मान लो उसकी फैट टेस्ट करेंगे अपने पास में, फैट टेस्ट के लिए अपने पास में बेहतरीन बेहतरीन मशीनें हैं, दुनिया की सबसे बेस्ट मशीनें अपने पास में अपनी कंपनी में उपलब्ध है जो अपन कम पैसे में इनको ले सकते हैं। तो इन मशीन के द्वारा अपन जैसे
फिर टेस्ट करेंगे, फिर टेस्ट करने के बाद में जो भी फेट आएगी, जैसे मान लो उसकी 6 फेट आई, 6 पे क्लिक किया अपन ने, और SNF उसकी 8.5 आ रही है तो 8.5 डालिए अपन ने और एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद में एक बार और एंटर मारेंगे, जैसे आप एक बार एंटर मारोगे ये अपनी स्लिप देखो, इधर स्लिप निकल के आ जाएगी प्रिंटर के द्वारा, अपन जो प्रोड्यूसर जो स्लिप होती है वो निकल के आ जाएगी और ये स्लिप अपन प्रोड्यूसर को दे सकते हैं। अब अपन कस्टमर को इंडिविजुअल रिपोर्ट देखना है तो अपन डायरेक्ट यहाँ से अपन देखो इतनी सारी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। यहाँ से खरीद पत्रक हो गई, पेमेंट पत्रक हो गई जिसके द्वारा भुगतान रजिस्टर हो गया, PDU रिपोर्ट हो गई, ट्रक शीट निकाल सकते हैं अपन, यहाँ से प्रोड्यूसर लिस्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर लेजर अपने पास में ये भी एक ऑप्शन होता है जिस पर अपन क्लिक करते हैं। जैसे मान लो अपन को किसी व्यक्ति विशेष का अपन को इसका रिकॉर्ड देखना हो, जैसे ग्राहक नंबर 1 का देखना हो अपन, तो यहाँ से सदस्य संख्या में अपन वो ग्राहक का नाम डालेंगे, संख्या डालने के बाद में अपन जैसे इसको रिफ्रेश करेगा तो ये दिखा देंगे यहाँ पे कि ये कितनी तारीख उसने कितना दूध कितने बजे दिया है। तो ये प्रोड्यूसर लेजर के अंदर अपने पास में एक बेस्ट सुविधा होती है जिसके द्वारा अपन प्रत्येक ग्राहक का अलग से लेजर तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं उसका कंप्लीट डे बाय डे और पारी बाई पारी देख सकते हैं, उसका रिजल्ट देख सकते हैं। फिर यहाँ से बाहर निकलने के बाद में अपने पास में और भी अन्य रिपोर्टें हैं जो अपन यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। स्लिप प्रिंट करना है, स्थानीय बिक्री रिपोर्ट प्रिंट करना है, डेयरी समरी प्रिंट करना है, अन्य रिपोर्ट में अपन चुनाव से संबंधित, जैसे चुनाव के अंदर अपन को अच्छे ग्राहक जिनकी जो कैटेगरी होती है कि इतने फलाना इतने लीटर दूध जिसने दिया, वो चुनाव रिपोर्ट भी अपन यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ये सब करने के बाद में ये अपने पास में अपने सॉफ्टवेयर में सुविधाएं हैं, इनके बाद में भी अपन जैसे सेटिंग में जाके अपने और भी कुछ सेटिंग्स इसकी कर सकते हैं। मेन सेटअप में जाएंगे, मेन सेटअप में जाने के बाद में अपन जैसे ये डालेंगे पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में अपने ग्राहक को मोबाइल के ऊपर मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। सेंड मैसेज पर क्लिक करके इसके लिए एक मॉडेम लगाना होता है, जो कौन से पोर्ट में आप लगाओगे वो क्लिक करना होता है। इसके अलावा अपन जो भी है अपन इतनी सारी जो कंपनी की मशीनें हो जो अपन इनको ऑनलाइन फैट मशीन को ऑनलाइन कर सकते हैं, जो मशीनें यहाँ डली हुई है उनको ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके लिए पोर्ट चूज कर सकते हैं कौन से पोर्ट पे अपने यूज कर रहे हैं, इतने अपन कांटे वजन के लिए कांटे जो जिन कंपनियों के इनको डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। अपन यहाँ डिस्प्ले अडेप्टर भी लगा सकते हैं, डिस्प्ले डायरेक्ट अपन बाहर देखने के लिए डिस्प्ले पोर्ट भी एड कर सकते हैं, बैंक मशीन भी लगा सकते हैं, और अपन जो है यूजर को भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, कंपनी को भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जैसे अपने समिति का क्या नाम है, क्या उसके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है, ये सब यहाँ से अपडेट करने की सुविधा है। यूजर जो होता है वो अपन किस इसका जो यूज़र पासवर्ड होते हैं वो यहाँ से अपन चेंज कर सकते हैं इसको, और इसके अलावा जो है अपन यहाँ से इंपोर्ट डेटा ऑप्शन के माध्यम से कोई अन्य किसी सॉफ्टवेयर का डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सब अपने पास में सुविधाएं हैं। इसके बाद में भी अपने पास में जैसे लोन ग्राहक ने अपन से कोई पेमेंट लिया, लोन लिया, वो भी अपन यहाँ शो कर सकते हैं। जैसे सुमित्रा देवी जाट है, इसने अपन से जो भी लिया वो विवरण यहाँ डालेंगे और इसको संग्रह कर लेंगे, तो जब भी 10 दिन का भुगतान अपन जिस भी भुगतान में उसका कट करना चाहे, उसकी कटौती करना चाहे, वो यहाँ से कर सकते हैं। अपने पास में ये सुविधाएँ भी अपने सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है। इसके अलावा अपने पास में जो है बिक्री से संबंधित भी है, बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड भी अपन इसमें ले सकते हैं, तारीखनामा भी अपन इसमें है, डेट वगैरह भी अपन यहाँ से ले सकते हैं, और भी कुछ अपने पास में जैसे और कोई समस्या हो आपको और कोई जानकारी चाहिए अपन को, तो इसके लिए अपन जो है अपनी कंपनी के नंबर्स पे कॉल करके वो क्लिक कर सकते हैं अपन। ये अपनी हमारी कंपनी का नाम है, नाम और एड्रेस है, इसमें जो मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं इस पर अपन पूरी जानकारी ले सकते हैं, और भी जो आपको सुविधाएँ चाहिए या और कोई जानकारी चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये सब अभी अपन बात कर रहे थे मिल्क कलेक्शन सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया प्रत्येक इसके जो ऑप्शंस है अपने पास में, जो इसकी सुविधाएं हैं, क्या क्या ये सॉफ्टवेयर सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहा है वो सब बताए, और भी जैसे आपकी कोई रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कोई नया कुछ जुड़वाना होता है तो वो सब अपने यहाँ पे जोड़ा जाता है, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी जो कमी है वो पूरी कर दी जाती है। आप हमारे सॉफ्टवेयर को एक बार इंस्टॉल करें, इसको चलाएं, इसके साथ साथ में हमारा एक मोबाइल में भी एप्लीकेशन चलता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से अपन डायरेक्ट ग्राहक को मैसेज भेजना, मिल्क कलेक्शन करना, मोबाइल में भी हमारे सॉफ्टवेयर चलते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कंपनी के नंबरों पर संपर्क करें, और हमारे पास में बेहतर से बेहतर सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एक बार आप हमारी वेबसाइट सर्च करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सब चीज़ देखने के लिए, और आप हमें नए नए आइडियाज़ देते रहें और हमारे इनको सबको सब्सक्राइब करते रहें। हमारे पास में जो भी है वो हम सब आपको दिखाते रहेंगे आगे के, दुनिया की सबसे बेस्ट मशीनों पे हम डील कर रहे हैं, तो आप हमारी मशीनें वगैरह देखें, एक बार इनका यूज करें, इस्तेमाल करें, तो आपको 100% बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और थैंक्स।